ये स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने वेब पेजेस पे कुछ डिस्प्ले करना होता है और हमारे पास कुछ डायनेमिक इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हम लोग सब का सब कोड PHP के थ्रू जनरेट करेंगे तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और काफ़ी उसके अंदर हमारे पास टाइम लग सकता है। हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, एट टाइम्स वो हमारे पास टेम्पलेट इंजन्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास HTML और जो डायनेमिक कंटेंट्स हैं उनके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। लारावेल जो टेम्पलेट इंजन यूज़ करता है वो हमारे पास ब्लेड है। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेम्पलेट इंजन, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मेनली HTML का टेक्स्ट होता है, और जहाँ पे हमें डायनेमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग ब्लेड का अपना एक सिंटैक्स है वो यूज़ करते हुए हम लोग डायनेमिक कोड जो है वो लिख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक कि हम लोग ब्लेड को कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट मॉड्यूल्स में हम लोगों ने एक सिंपल व्यू बनाया था अबाउट डॉट PHP का, और अब लेट्स से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ब्लेड का टेम्पलेट यूज़ करें। तो हम लोग इसी फाइल को चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि जहाँ पे हमारे पास डायनेमिक कंटेंट्स हमें चाहिए वहाँ पे हम लोग ब्लेड का सिंटैक्स यूज़ करेंगे। एंड सिंटैक्स ऑफ ब्लेड इज़ वेरी इजी टू यूज़। अब जैसा यहाँ पे हम लोगों ने कहा था रिसीव फ्रॉम राउट, और फिर डाटा में हमारे पास जो डाटा पास हुआ था इस व्यू को वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया था, तो इसी को जब हम लोग ब्लेड की नोटेशन में लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्प्ले करनी है, जो भी वेरिएबल्स डिस्प्ले करने हैं वो हम लोग करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इनफैक्ट वी इवन डोंट नीड टू पुट दिस स्ट्रिंग इन इन द ब्लेड टेम्पलेट। हम लोग सिर्फ जो डायनेमिक डाटा है उसको हम लोग ब्लेड के सिंटैक्स में लिख लेंगे। तो जब हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना होता है तो उसे हम लोग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, डबल करली ब्रैकेट्स में, राइट। तो जब हम लोगों ने ये लिखा करली ब्रैकेट और डाटा, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि डाटा के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो लेट्स से हम लोग अपडेट करते हैं रिसीव फ्रॉम राउट एंड डिस्प्लेड यूजिंग प्लेड, राइट। अब हम लोग ये लिख देते हैं, और यू सी के यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेनली HTML का ही कोड है, सिर्फ बीच में जो हमारे पास डायनेमिक डाटा है जो वेरिएबल्स हैं वो हम लोग करली ब्रैकेट्स में, डबल करली ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हम लोग वेरिएबल्स को डिस्प्ले करेंगे, और इसी तरह जहाँ पे हम लोगों ने URL इको किया तो इसको भी हम लोग डबल करली ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे। तो आप देखें कि PHP के मुकाबले में ये सिंटैक्स यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब URL की इस फंक्शन की जो भी आउटपुट होगी वो हमारे पास नज़र आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे कलर हाईलाइटिंग ठीक नहीं हो रही क्योंकि अभी कोड के अंदर ब्लेड की जो एक्सटेंशन है वो हम लोगों ने इनेबल नहीं की भी। अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सटेंशन हम लोग इनेबल कर देते हैं तो हमारे पास जो इसके कलर्स हैं वो सिंटैक्स हाईलाइटिंग ठीक हो जाएगी। तो लेट्स सी इफ दिस टेम्पलेट ब्लेड टेम्पलेट व्यू इज़ वर्किंग। हम लोग यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास ये पेज रेंडर हुआ है, लेकिन ये पेज अब ब्लेड के टेम्पलेट के थ्रू रेंडर हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर अबाउट अस ये वेरिएबल था, और फिर हमारे पास इस लिंक का जो हमारे पास href की जो वैल्यू है वो भी हमने ब्लेड के थ्रू डिस्प्ले की थी। अब एट टाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा है उसके अंदर हम लोग एक HTML का स्ट्रिंग पास कर देते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग राउट से इधर अबाउट के व्यू पे भेज रहे हैं डेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं H2 HTML टैग, राइट। नाउ दिस थिंग इज़ डेंजरस क्योंकि अगर यूज़र आपको HTML के टैग्स दे देता है तो वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर मलिशियस स्क्रिप्ट को जब रन करता है। तो लेट्स सी कि ब्लेड इसको किस तरीके से हैंडल करता है। तो अब आइडिया ये है कि डाटा के अंदर हम लोगों ने एक HTML का टैग दिया हुआ है, और ब्लेड के अंदर जब हम लोग इस डाटा को डिस्प्ले करेंगे तो लेट्स सी हमारे पास किस किस्म की आउटपुट आती है। अब आप देखें कि यहाँ पे H2 एज इट इज़ नज़र आ रहा है, HTML के टैग के तौर पे ये प्रोसेस नहीं हुआ। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसका
कोड देखें। यहाँ पे अगर आप इसका कोड देखें तो अब यहाँ पे आपको लेस देन रिप्लेस हो गया एचटीएमएल एंटिटी के साथ। तो ब्लेड क्या करता है कि डिफ़ॉल्ट आउटपुट के लिए वो एचटीएमएल एंटिटीज का या एचटीएमएल स्पेशल करेक्टर्स का जो पीएचपी का फंक्शन है वो कॉल करता है, और उसके थ्रू हमारे जो भी चीज़ हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको वो सेव कर देता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाती है। लेकिन देर आर सिचुएशंस के जहाँ पे आप चाहते हैं कि जो आपके पास ये जो डेटा है ये आपके पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करेंगे, डबल करली ब्रैकेट्स की बजाय आप करली ब्रैकेट और दो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ कर लेंगे। तो ये एक आपको वार्निंग का भी काइंड ऑफ आपको एक इंप्रेशन देता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ वार्निंग, यूज़ इट केयरफुली ना। लेकिन इफ़ यू यूज़ दिस नोटेशन तो जो भी चीज़ इसके अंदर होगी, चाहे वो एचटीएमएल के टैग्स हैं, वो एज इट इज़ अपीयर होंगे, वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये अब आप देखें कि यहाँ पे जो डाटा पास हुआ था वो एचटीएमएल H2 के टैग में हुआ था, तो H2 के तौर पे वो रेंडर हुआ है। लेकिन डोंट यूज़ दिस थिंग अनलेस यू आर श्योर कि यू नीड इट। ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर यूज़र से कोई इनपुट आपने ली हुई है और उसको आप डिस्प्ले करें, तो कभी भी आप इसको एक्सक्लेमेशन मार्क नोटेशन को यूज़ ना करें। इस तरह भी होता है कि आपने जो है वो अब कर्ली ब्रैकेट्स को ही डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग जो है वो कर्ली ब्रैकेट से पहले एट का सिंबल लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो वर्बेटिम हो जाएगा, वो एज इट इज़ हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देखें कि ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो गए। तो अगर आपको ज़रूरत है कि आप कोई कोड वगैरह डिस्प्ले करना चाहते हैं तो, और उसके अंदर आपके पास यू नो के कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी, तो जस्ट यूज़ वर्बेटिम फॉर डिस्प्लेइंग।